लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। बादशाह अकबर को एक बार रंडीबाजी का शौक लग गया। रोज शिकार के बहाने नगर की रंडियों के पास जाते ताकि जोधा बाई को पता ना चले और अगले दिन बीरबल को अपने रंडीबाजी के किस्से सुनाते। बीरबल के झाटों में आग लग जाती थी कि बादशाह अकेले अकेले चले जाते हैं मुझे छोड़कर। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को अपनी बीती रात की रंडीबाजी की घटना का बखान कर रहे थे। बीरबल की पिछवाड़े में मिर्ची लग रही थी। बीरबल अचानक बोल पड़ा, जाह पनाह, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अकबर ने इजाजत दी, बोलो बीरबल। बीरबल बोला, जाह पनाह, जितनी रंडिया आपने सपने में भी नहीं देखी होगी उससे कहीं ज्यादा से मैंने काम धाम कर चुका हूँ। इस नगर की किसी भी रंडी की समान का बाल सुनकर उसका नाम बता सकता हूँ। ताव खाकर बीरबल ने तो बोल दिया पर डर के मारे उसकी पिछवाड़ा हवा लेने लगी कि बादशाह सलामत उसका क्या करेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें रंडी के समान का बाल ला के देंगे लेकिन अगर तुमने नहीं पहचाना तो हम सबके सामने तुम्हारी पिछवाड़ा नगर के कुत्तों से मरवाएंगे। बीरबल भी अपने एरिया का महान रंडीबाज था इसलिए उसने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब अगले दिन अकबर ने बीरबल को रद्दी के समान का बाल ला के दिया और बोला, बता सुनकर कौन है। बीरबल बोला, ये तो धन्नो बाई के समान का बाल है। अकबर का पिछवाड़ा पानी पानी हो गया। अगले दिन फिर दूसरी लड़की के समान का बाल लाया तो बीरबल बोला, मुन्नी बाई, जमुना बाई। बीरबल सबके बाल सुनकर बताता गया। अब बादशाह अकबर की हवा खिसकने लगी कि ये हरामखोर बीरबल तो सही में उनसे भी बड़ा छोकड़ी बाज है पर हार मान जाते तो बेइज्जती होती। इस डर से अगले दिन बादशाह सलामत अपनी बेगम जोधा बाई के समान का बाल बीरबल को लाकर देते हैं। यह सोचकर कि बीरबल इसे तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएगा, बादशाह अकबर जोधा बाई के समान का बाल बीरबल को देते हुए बोले, लो बीरबल, जरा ये बाल सुनकर बताओ। बीरबल ने बाल को सूंघा और एकदम सकपका कर बोला, गुस्ताखी माफ हो जा पना, मैं शर्त हार गया पर ये तो बताए कि बेगम साहिबा को कोठे की बीमारी कब से लगी। अब अकबर बेहोश। एक आदमी की उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके दोस्त उसे अक्सर शादी करने के लिए कहते रहते पर वह हर बार यही कहता, कर लेंगे कर लेंगे। एक दिन उसके दोस्त ने उसे गंभीरता से पूछ ही लिया, अरे यार क्या बात है, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तलाश में हो या सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है, क्या अभी तक तुमने अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं देखी। आदमी बोला, नहीं, मैं कई अच्छी लड़कियों से मिला, मैंने उन्हें अपने घर वालों से भी मिलवाया पर मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तभी आज तक मैं बस लड़कियाँ ही ढूंढ रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि अपनी माँ की पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो। फिर दोनों दोस्त कई दिनों के बाद मिले। उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की मिली जिसे तुम्हारी माँ ने पसंद किया। आदमी बोला, हाँ यार, मैंने एक लड़की को पसंद किया जो मेरी माँ को भी पसंद है, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ उसे बहुत प्यार करती है और उन दोनों के आपस में खूब पड़ती है। दोस्त बोला, तो फिर तो तुमने अभी तक इस लड़की से सगाई कर ली होगी। आदमी बोला, अरे नहीं यार, कहाँ कर ली सगाई। दोस्त बोला, क्यों क्या हुआ। आदमी बोला, वो लड़की मेरे बाप को पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी माँ जैसी है। अब दोस्त बेहोश। लड़की को प्रेग्नेंट देखकर बाप ने गुस्से से पूछा। बाप बोला, किसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया। लड़की रोते हुए बोली, अगर आप 15 केले खाओ तो क्या आप बता सकते हो कि कौन से केले से आपका वजन बढ़ा। अब बाप बेहोश।
एक बार एक प्रेमी जोड़े की आपस में शादी हो जाती है तो शादी के कई साल बाद एक दिन अचानक अपने पति से पूछती है, सुनो जी, क्या तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? पति बोला, हाँ जानू। पत्नी बोली, तो फिर जैसे शादी से पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, अब क्यों नहीं लाते? पति बोला, कभी तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, महिलाओं के समान काली क्यों होती है? बीरबल सोच में पड़ गया कि अब इस सवाल का जवाब क्या दे, लेकिन सवाल राजा का था तो उत्तर तो बनता है। बीरबल ने 2 दिन समय मांगा। अब बीरबल चिंतित मुंह लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचने पर बीरबल की बेटी ने पूछा, क्या बात है पिताजी? बीरबल की लड़की बहुत तेज थी। बीरबल ने शर्माते हुए कहा, बेटा, राजा ने आज बहुत ही कठिन सवाल किया है। लड़की बोली, मुझे बताओ पिताजी। बीरबल बोला, राजा ने पूछा है कि महिलाओं के समान काली क्यों होती है? बीरबल की बेटी हंसी और कहा, बस इतना सा सवाल, आप रुको, मैं अभी आई। लड़की अंदर गई और काले तवे पर हाथ रगड़ा और बाहर आकर बीरबल के गाल पर जोर से एक थप्पड़ लगाया। बीरबल बोला, बेटा, ये क्या किया तूने? रेपटा क्यों मारा? लड़की बोली, पिताजी, आपके तो एक चोट से गाल काला हो गया, हमारे तो सामान पे काले औजार की न जाने कितनी चोटें पड़ती है, काला तो होना ही है। एक आदमी अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को अस्पताल से घर लेकर आया। पत्नी ने पति से कहा कि बच्चे ने डायपर गीला कर दिया है, उसे बदल दो। पति बोला, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार पक्का करूँगा। थोड़ी देर बाद जब बच्चे ने फिर डायपर गीला कर दिया तो पत्नी ने फिर से पति से बच्चे का डायपर बदलने को कहा। पति ने मासूमियत से पत्नी के तरफ देखकर कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि अगला डायपर, मैंने तो यह कहा था कि जब अगला बच्चा होगा तब मैं पक्का करूंगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कपड़े का एक व्यापारी नींद में स्वप्न देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक ग्राहक उससे 200 रुपए मीटर वाला कपड़ा मांग रहा है और वह कपड़ा नाप रहा है। अनायास ही उसका हाथ बिस्तर की चादर पर पड़ गया। उसने नींद में ही उसे फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज सुनकर पत्नी जाग उठी और चीखते हुए बोली, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? व्यापारी अर्ध चेतन अवस्था में बोला, कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है, दुकान पर भी पीछा नहीं छोड़ती।